कुछ दोस्त जंगलों में घूमने तो जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वापस आ पाती है। ऐसी क्या बात थी जो सबसे छुपी हुई थी, और कौन था जिसकी वजह से बाकी लोग वापस नहीं जा पाए? आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नोबडी स्लीप इन द वुड्स टुनाइट। मूवी की शुरुआत एक पोस्टमैन को दिखाते हुए होती है, जो जंगल के बीचों बीच बने एक घर में आया होता है। वो डोरबेल बजाता है, मगर घर में रहने वाली लेडी लाउड म्यूजिक लगाकर खून से सने कपड़े साफ कर रही होती है, जिस वजह से वो डोरबेल की आवाज नहीं सुन पाती। जबकि बाहर खड़े पोस्टमैन को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, जिसको देखने के लिए वो बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन बेसमेंट में झांकते उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बेसमेंट में एक अजीब सा मॉन्स्टर क्रिएचर होता है। और जैसे ही पोस्टमैन पीछे मुड़ता है, वो क्रिएचर उस पर हमला करके उसको बेसमेंट में वापस खींच लेता है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हमको 30 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब इस जंगल को कैंप एरिया के तौर पर यूज किया जाने लगा है। ये एक ऐसा कैंप एरिया था जहाँ मोबाइल और इंटरनेट के एडिक्ट बच्चों को लाकर उनकी आदतें छुड़ाई जाती थी। वैसे एक काफी इनोवेटिव तरीका है। इस बार यहाँ पर टोटल 50 बच्चों को लाया गया है और अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। कैंप मैनेजर बच्चों को समझाता है कि आप इसको एक हॉलीडे वेकेशन की तरह समझें और नेचर को एंजॉय करते हुए नए नए दोस्त बनाएं। ये सारी बातें करते हुए मैनेजर बच्चों से उनके मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप्स ले लेता है और समझाता है कि ये जीवन का सुनहरा मौका है, जहां वो अपने इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से हमको वही घर दिखाया जाता है जहां 30 साल पहले वो पोस्टमैन मारा गया था। हम देखते हैं कि बूढ़ी लेडी ने उस मॉन्स्टर के लिए हिरन का शिकार किया है, ताकि वो उस क्रिएचर की भूख मिटा सके और वो शांत रहे। मगर खाना डालते वक्त लेडी का पैर फिसल जाता है और वो सीधे जाकर बेसमेंट में गिर जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर उस लेडी को ही अपना शिकार बनाकर मार डालता है। क्रिएचर पहली बार उस बेसमेंट से बाहर आता है, जो देखने में काफी क्रीपी और मोटा होता है। जबकि दूसरी ओर सभी बच्चे नहा धोकर ट्रेकिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और वहीं पर हम जोजिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने हाथ की चोट पर पट्टी बांध रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर एक फादर आते हैं और होली वाटर से बच्चों के फोन और लैपटॉप्स को बैप्टाइज करते हैं। सारी तैयारियां होने के बाद जोजिया और उसके 5 दोस्तों का एक ग्रुप अपनी जरूरत का सामान लेकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। ट्रैक पर जाते हुए 2 लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ते हुए एक लड़के को चोट लग जाती है। जोजिया उसकी मदद करती है, मगर तब तक जोजिया के दोस्त को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। आवाज लगाने पर सब उसे देखते हैं, जहां टीम लीडर उसको देखकर बताती है कि किसी जानवर का काम तो नहीं है, क्योंकि उस मरे हुए हिरन की काफी बुरी तरह से चीरफाड़ की गई थी। उसी समय जोजिया को जंगल में एक आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस आवाज की तरफ मुड़कर देखती है तो उसको एक डरावना हाथ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। खैर, उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सब लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर उनकी टीम लीडर उनसे यहाँ इस कैंप में आने का कारण पूछते हैं। जहाँ एक लड़का बताता है कि वो YouTube पर नंबर 1 गेमिंग प्लेयर था और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी थे, मगर इन सब की वजह से मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। वहीं दूसरी ओर जोजिया का एक दोस्त चुपके से जंगल में बनी एक झील के किनारे पर स्मोक करने चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर में एक लड़की भी आ जाती है और वो आपस में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात ज्यादा होने की वजह से लड़की वहाँ से चली जाती है और वो लड़का अपनी जेब से मोबाइल निकालकर चलाने लगता है। दरअसल उसने अपना मोबाइल सबमिट ही नहीं किया था, मगर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस लड़के को बुरी तरह से मार देता है, जिसकी अगली सुबह एक बुरे सपने के साथ जोजिया की नींद खुल जाती है। और थोड़ी देर बाद टीम लीड के साथ बाकी सभी लोग भी आगे की ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर अभी तक उनका एक फ्रेंड गायब था, क्योंकि वो तो मॉन्स्टर के द्वारा मारा जा चुका है। इसीलिए सब लोग मिसिंग लड़के को ढूंढना शुरू कर देते हैं। टीम लीड 2 और लोगों के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगलों में चली जाती है और 2 लोग रुककर कैंप के पास वेट करते हैं। टीम लीड जमीन पर पड़ी चीजों और निशानों का पीछा करते हुए उसी मॉन्स्टर के घर तक पहुंच जाती है और घर में चारों तरफ ढूंढने के बाद उनको एक दरवाजा दिखाई देता है, जहां से वो लोग बेसमेंट में चले जाते हैं। और एक एक करके वो लोग नीचे उतरकर देखते हैं, जहां पर उनको अपने दोस्त की बॉडी दिखाई देती है। और बदकिस्मती से
वो मॉन्स्टर भी घर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं। मगर किसी तरह दो लोग तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन टीम लीड अंदर ही रह जाती है और एज एक्सपेक्टेड वो मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। मारकर वो मॉन्स्टर उसका सर बाहर फेंक देता है, जिसको देखकर बाकी के दोनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी ओर झील के पास जोजिया का एक मेल फ्रेंड एक लड़की से बात कर रहा होता है और उसको बताता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम किए हैं, जिसके लिए उसे आज पछतावा होता है। ये बुरे काम किसी श्राप से कम नहीं है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और एक लोहे की रॉड को लड़की के सर के आर पार कर देता है, जिससे उसकी भी मौत तुरंत हो जाती है। अब ये सब देख डर के मारे वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और भागकर एक चर्च में पहुँचता है, जहाँ उसको वही फादर मिलते हैं जिन्होंने मोबाइल और लैपटॉप्स को बैप्टाइज किया था। लड़का फादर को सारी बात बताता है, मगर फादर उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते और वो जोजिया के फ्रेंड को बेहोश करके चेयर से बांध देते हैं। होश आने पर फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग अपने जीवन में बहुत सारे बुरे और उल्टे सीधे काम करते हो और बाद में डर के मारे मनगढ़ंत कहानी बनाते हो। ये सारी बातें चली रही होती हैं कि तभी दरवाजे पर उन्हें किसी की दस्तक सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए फादर बाहर जाते हैं। बाहर उनको वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसके बारे में जोजिया का फ्रेंड बता रहा था। फादर मॉन्स्टर को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनको इन सब बातों पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ था। लेकिन तभी मॉन्स्टर फादर को पकड़कर बुरी तरह से मार डालता है और उन्हें एक ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे फादर की भी मौत हो जाती है। चर्च के अंदर बैठा जोजिया का दोस्त किसी तरह से खुद को रस्सियों से आजाद कर एक बॉक्स में छुप जाता है। धीरे धीरे लोग मारे जा रहे थे। जोजिया के कई सारे साथी गायब हो चुके थे, इसीलिए मदद ढूंढते हुए जोजिया और उसका दोस्त एक अननोन पर्सन के घर पहुंचते हैं। और ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन है जो 30 साल पहले दिखाया गया था। पोस्टमैन जोजिया और उसके दोस्त को मॉन्स्टर की कहानी बताता है। दरअसल इन्हीं जंगलों में एक लेडी रहा करती थी, जिसके दो बच्चे थे। इनका परिवार काफी खुश रहा करता था, मगर एक दिन आसमान से एक उल्कापिंड जंगलों में आकर गिरता है। दोनों बच्चे उस पत्थर को अपने साथ घर ले आते हैं और उसको बगल में रखकर सोने लगते हैं। मगर रात होते ही उस पत्थर में से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है, जो दोनों के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे दोनों के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। दोनों काफी शक्तिशाली और एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए बेसमेंट में रखा करती थी और उनके लिए शिकार किया करती थी। मगर एक दिन वो खुद उनका शिकार बन गई। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक नहीं बल्कि दो हैं। और अब ये कहानी सुनकर दोनों बच्चे फैसला करते हैं कि अगर वो यहाँ से बचकर जिंदा वापस जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मरे हुए दोस्त का मोबाइल फोन हासिल करना होगा, तभी वो अपने लिए किसी प्रकार की मदद बुला सकेंगे। और बच्चे करते भी ऐसा ही हैं। जल्दी से भागकर वो उस घर तक पहुंच जाते हैं, जहां जोजिया अपने दोस्त को नाइफ देकर बाहर रुकने को बोलती है और खुद घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो किसी तरह मोबाइल तो हासिल कर लेती है, मगर भागते वक्त वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है। मगर वो किसी कारण से जोजिया को नहीं मारता, बल्कि उसके नजदीक आता है। दरअसल उसको जोजिया पसंद आ गई थी, लेकिन इस बात से अनजान जोजिया डर से चिल्लाने लगती है और अपने दोस्त की आवाज सुनकर बाहर खड़ा लड़का अंदर जाकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे नाराज होकर मॉन्स्टर उस लड़के पर ही हमला कर देता है। और इसी झगड़े के बीच जोजिया को चोट लग जाती है और वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। बेहोश जोजिया को एक सपना दिखता है, जिसमें उसकी पूरी फैमिली एक कार से कहीं घूमने जा रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाकी सभी लोग तो मारे जाते हैं, मगर जोजिया के फादर बच जाते हैं, जो काफी तड़प रहे होते हैं, और जोजिया किसी वजह से उनकी हेल्प नहीं कर पाती। जोजिया अपने होश संभालती है और सपने से बाहर निकलती है। सपने से उठते ही वो अपने सामने अपने फ्रेंड को तड़पते हुए देखती है, क्योंकि उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। वो जोजिया से विनती करता है कि उसके पेट से चाकू निकाल दे, ताकि वो आसानी से मर सके। रोते हुए जोजिया चाकू को उसके पेट से निकाल देती है और उसके दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है। जोजिया खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखती है। दरअसल ये सब उस मॉन्स्टर ने किया था, क्योंकि जोजिया उसको अच्छी लगती है और वो उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन किसी तरह जोजिया चाकू की मदद से अपनी चेन को खोलकर वहां से भागने लगती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है। असल में उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई थी और हमेशा उदास रहने लगी थी।
इवन अपने डिप्रेशन से बचने के लिए उसने सुसाइड करने का फैसला भी किया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन आज यहाँ पहली बार वो अपनी बहादुरी दिखाती है और वहाँ पर पड़े मैशेट को उठाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बेसमेंट से बाहर आती है जहाँ मॉन्स्टर सो रहा होता है। जोजिया उस मैशेट की मदद से उसे वहीं पर मार देती है, जबकि दूसरी ओर पोस्टमैन के घर के बाहर उसको कुछ दस्तक सुनाई देती है जिसको वो मॉन्स्टर समझकर मार देता है। लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि ये तो जोजिया का दोस्त है जो चर्च से यहाँ पर भाग कर आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोजिया आ जाती है और उसको सारी बातें बताती है। पुलिस वाला जोजिया को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामने ही उसे मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरता है, जिसको जोजिया बहुत मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और नजदीक पहुंचते ही वो मॉन्स्टर जमीन से उठता है और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसको दो हिस्सों में काट देता है, जिससे डरी हुई जोजिया पीछे से उतरकर खुद गाड़ी ड्राइव करने लगती है और बार बार उस मॉन्स्टर को टक्कर मारती है, जिससे वो दूसरा मॉन्स्टर भी मारा जाता है और जोजिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। जबकि दूसरी ओर हम दो शराबियों को देखते हैं जो उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 4.9 है, जिसका रॉटन टोमेटो स्कोर डिसेंट है। ये एक पॉलिश फिल्म है जिसको नेटफ्लिक्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।